जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा और आप इस समय बिल्कुल लाल किले की बैक साइड पर है और लाल किला मेरी विधानसभा चांदनी चौक का हिस्सा है और मुझे खुशी गर्व होता है कि यह लाल किला मेरी विधानसभा चांदनी चौक में आता है। मैं इस समय इसकी बैक पर हूँ और आप देख सकते हैं ये पूरी ऐतिहासिक लाल किला की जो है वो दीवार है और आप देख सकते हैं ये पूरी एक अपने आप में वॉल सिटी है। वॉल सिटी चांदनी चौक विधानसभा में है और मैं बशीर बद्र साहब की लाइन है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। आज ये खबर मिलती है कि भारत सरकार ने लाल किले को 5 करोड़ सालाना और 5 साल 25 करोड़ रुपए में गिरवी रख दिया है, क्योंकि केंद्र की सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ऐतिहासिक धरोहर को जो है संभाल कर रखने में नाकामयाब हो रही है। जो सरकार अपने प्रचार में, अपने विज्ञापनों में 3,780 करोड़ रुपया खर्च करती है, वो इन ऐतिहासिक धरोहर की जो है वो देखभाल नहीं कर सकती है। इसलिए डालमिया ग्रुप को मात्र 25 करोड़ में 5 साल के लिए हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो है वो गिरवी रख दी गई है। अब आप सुनिएगा, लाल किला में जो सालाना टिकट की बिक्री होती है, पहले टिकट 10 रुपया थी, तो जब 10 रुपया थी तो उस समय सालाना 6 करोड़ 12 लाख का जो है वो कमाई होती थी। 10 रुपए की टिकट थी तो 6 करोड़ 12 लाख रुपए सालाना। और जब टिकट 30 रुपया कर दी गई मोदी सरकार द्वारा, लाल किला देखने के लिए पर्यटकों की टिकट जो है वो 30 रुपया कर दी गई, तब सालाना कमाई बढ़ के 18 करोड़ रुपए हो गई। सालाना कमाई सिर्फ टिकट से लाल किले में भारत सरकार को 18 करोड़ की होती थी। समझ से परे है कि जब 18 करोड़ की कमाई सालाना सिर्फ टिकटों से हो रही थी तो आपने मात्र 5 करोड़ में डालमिया ग्रुप को क्यों लाल किला गिरवी में दे दिया। और ये वही लाल किला है, एक विरासत, एक हेरिटेज है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज़ादी का पहला तिरंगा झंडा, पहला परचम यही से लहराया था और उम्मीद करते थे कि भारत सरकार कम से कम ऐसी ऐतिहासिक विरासत की ले सकती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश नहीं बिकने, लाल किले से शुरुआत कर चुके हैं। लाल किला गिरवी रख दिया गया है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए लाल किला गिरवी रख दिया गया, मात्र 5 करोड़ रुपए प्रति साल कमाई टिकट से होती है, 18 करोड़ प्रति साल। आप देख रहे हैं डालमिया ग्रुप पे नजर रखिएगा, 2019 का चुनाव आ रहा है, कितना मोटा माल चुनावों में, चुनावी चंदे में इन्हें मिलने वाला है, ये आपको और हमें जरूर देखना होगा। डालमिया ग्रुप का अनुभव क्या है हमारी इन विरासतों को संभालने का, क्या डालमिया ग्रुप ने पहले कभी इस तरह की हमारी विरासतों को संभालने का अनुभव है? नहीं, मुझे लगता है डालमिया ग्रुप ने एक सौदेबाजी की जिसमें वो दोषी नहीं है, दोषी हमारी भारत सरकार है। आज आपने लाल किला दिया है, कल पार्लियामेंट, और आप कल को हमारा पूरा का पूरा ताजमहल तक लोग कह रहे हैं आप गिरवी कर देंगे। प्रधानमंत्री जी जागिए, शर्म आती है, देश की जिम्मेदारी थी ऐतिहासिक धरोहर गिरवी रखने की, नौबत आ चुकी है। प्रचार में 3,700 करोड़ रुपए आपने खर्च किया है, आपके पास पैसा नहीं था या आपके पास ऐसी संस्थाएं नहीं थी सरकार के पास जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर को संभाल कर रख सके? आपको एक प्राइवेट कंपनी को हमारी इस ऐतिहासिक लाल किला, आजादी का परचम लहराया, आजादी का झंडा लहराया, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत लोग यहाँ पर इस झंडे को, तिरंगे को लहराने के लिए शहीद हो गए, इस जगह को आपने प्राइवेट कंपनी को गिरवी रख दिया। भारत सरकार निकम्मी नाकाम हो गई हमारी इस धरोहर को खुद अपने दम पर जो है संभाल कर रखने में। मैं आप सभी से कहूं, लोग कहते हैं ये झूठ है, हमने कोई बेचा थोड़ी ना है, वो भी दिन आ जाएगा जब आप इन ऐतिहासिक धरोहरों को आज गिरवी रख रहे हैं, कल आप बेचेंगे भी, आ जाएगी ऐसी नौबत। आप हर मुकाम पे नाकाम हो रही है मोदी सरकार, किसानों की हालत, बेरोजगारों की हालत, हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है वो, और अब हमारी विरासत, हमारी ऐतिहासिक विरासत, हमारी ये जो धरोहर है,
जिसे पूरे भारत सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने अधीन रखना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी पर अपने जो है लोगों जो है अपनी संस्थाओं से इसकी देखभाल करवानी चाहिए थी। और मुझे दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और को संभाल कर रखने में नाकामयाब हो गई, हथियार डाल दिए और ऐतिहासिक धरोहर लाल किला आजादी के साथ हमारी भावनाएं और ये तिरंगा यहाँ जो लहराता है उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं आप सबको कहूंगी, मजबूर करिए इस सरकार को, ये कोई छोटी मोटी हमारी धरोहर नहीं है, लाल किला है ऐतिहासिक, 15 अगस्त का झंडा लहराया, आजादी का पहला झंडा यहाँ से लहराया गया। मजबूर कर दीजिए कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के हाथों में हम अपनी इन धरोहरों को नहीं जाने देंगे, किसी के हाथों नहीं जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास होनी चाहिए और भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी इन ऐतिहासिक विरासत पे कोई भी अपना जो है वो हक ना जता पाए। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, प्रति साल 5 करोड़ रुपए में भारत सरकार ने डालमिया ग्रुप के को ये धरोहर गिरवी रख दी है, जबकि सालाना 18 करोड़ रुपए का लाभ सिर्फ टिकट से भारत सरकार को हो रहा था। अब वो टिकट कौन बेचेगा? उन टिकटों की कमाई सालाना 18 करोड़ की जेब में जाएगी, मात्र 5 करोड़ में आपने ये किया है। हमें शर्म आती है, मैं देशवासियों को कहूंगी इस वीडियो को शेयर करिए, पूरा देश लाल किले का जो हमारा ऐतिहासिक लाल किला और तिरंगा है उससे जुड़ी हुई है, आप सबसे कहूंगी, ताकि भारत सरकार के ऊपर दबाव बन पाए, वो हमारी भावनाओं के साथ, हमारी विरासत, हमारी आजादी से जुड़ी पहचानों से खिलवाड़ कर रही है। मैं आप सभी से कहूंगी इस वीडियो को फैलाइए ताकि भारत सरकार के ऊपर दबाव बने। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगी, जागिए जागिए, अपने फैसले को पलटिए, और अगर सरकार नहीं पलटी तो डालमिया ग्रुप से कहूंगी, आपको समझ आ रहा होगा कि पूरे भारत की भावनाएं जो जुड़ी हैं वो आहत हो रही हैं। आप खुद पीछे हट जाइए, नहीं तो इससे बड़े गद्दारी और धोखा खास तौर से देशवासियों की भावनाओं के साथ और कुछ नहीं हो सकता है। आपने देश की धरोहर जिसकी जिम्मेदारी लाल किला, ऐतिहासिक लाल किला, मेरी विधानसभा में आकर इस समय यही खड़ी हूँ, भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा। मुझे शर्म आती है, जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, ये वैसे ही हो गया कि आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते और उन्हें आप वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, ये कुछ उसी तरह से लग रहा है। ये हमारी विरासत है, ये हमारी पहचान है, और भारत सरकार से जो है संभाली नहीं जा रही, तो वो उसी बूढ़े माँ बाप की तरह जो अपने बूढ़े माँ बाप को जिम्मेदारी नहीं लेने पर वृद्धा आश्रम छोड़ाते हैं, इसी तरह भारत की भाजपा सरकार ने जो है लाल किला डालमिया ग्रुप को जो है वो दे डाला है कि हमसे नहीं हमारी विरासत संभलती, आप संभालिए और आपको मोटा माल, मोटी कमाई भी जो है हम देंगे, 18 करोड़ रुपया सालाना सिर्फ टिकटों से कमाइएगा, प्रचार प्रसार अलग होता है, पार्किंग का से अच्छी मोटी कमाई होती है, यहाँ पर बहुत लोग कार्यक्रम फंक्शन करते हैं उससे भी बहुत मोटी कमाई जो है वो होती है, तो वो सारी कमाई 5 साल तक अब डालमिया के पास जाएगी, ग्रुप के पास, और डालमिया ग्रुप जो है बदले में 2019 में भाजपा को मोटा माल देगा, नजर रखिएगा। मैं इसलिए कहती हूँ आवाज उठाइए, ऐतिहासिक धरोहर को बचाइए। जय हिंद।